हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं बना रही जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। और आज मैं दोस्तों आपके साथ अपना लंच से लेकर लेट नाइट तक का व्लॉग शूट कर रही हूँ। और इसमें मैं आज दोपहर के टाइम में बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो मैं इसको छील लेंगी और मैंने चाकू पे लगा लिया था तेल, क्योंकि चिपकेगा नहीं, और हाथों पे भी तेल लगा लिया था। कटहल क्या होता है दोस्तों, चिपकती है, इसको हम कट कर लेंगे। और आज है 12 मई और दिन है संडे, तो आज एक्चुअली हमें कहीं जाना है, तो मैं आज सिर्फ दोपहर का ही खाना बनाऊंगी। तो इस वजह से ये मैं कटहल को कट कर ले रही हूँ इतने टुकड़ों में। इस टाइप के हमें टुकड़े काट लेने हैं सारे कटहल के। और दोस्तों, इधर मैं आ गई रसोई में, तो मैंने ये कटहल को धो लिया था काट करके, और इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे इसे सैलो फ्राई करना है। और कटहल को डीप फ्राई नहीं करना, सैलो फ्राई ही करना है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, कटहल हमारी बहुत अच्छी बनती है सैलो फ्राई करने से। और जैसे सब्ज़ी घुल जाती है ना, वैसा नहीं होता, अच्छी सब्ज़ी बनती है। और सब्ज़ी हमारी लगभग आधी बन सी ही जाती है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में। फिर इसको हम सैलो फ्राई कर लेते हैं सब्ज़ी को, तब तक धीमे आँच पर ढक करके 20 मिनट से चलाते रहेंगे। ये मैंने प्याज लिए थे 3, इनका पेस्ट बना लूँगी सब्ज़ी के लिए। और इधर मैं लौकी का रायता बनाऊंगी, तो ये लौकी काट करके मैंने उबालने रख दे रही हूँ, तो लौकी का रायता मुझे बनाना है अभी। इधर मैं सब्ज़ी भी चला लूँगी कि हुई या नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है। इसको हमें एकदम पिंक कलर में भून लेना है अच्छे से। लगभग ये देखिएगा, आपकी सब्ज़ी हो जाएगी। ये देखिए, ऐसा भुन गया है ये कटहल हमारी। तो अब मैंने सब्ज़ी में छौंकने के लिए कढ़ाई में तेल कर लिया है, प्याज को पेस्ट बना लिया था, तो इधर मैं अब सब्ज़ी में छौंक दूंगी। तो मैं ये मसाले ना प्याज में ही पहले डालूंगी, सारे मसाले प्याज में ही मिक्स कर लूंगी। दोस्तों, आज मुझे शाम को जल्दी हम लोगों को निकलना है, तो ये मैं इधर हल्दी डाल दे रही हूँ इसमें, और धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। सारे मसाले भी इसी में डाल दूंगी, सिर्फ गर्म मसाला नहीं डालूंगी, वो बाद में डालूंगी सब्ज़ी बनाते में। और ये लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें मसाले तेज़ ही अच्छे लगते हैं, ये ज़्यादा रोती हुई सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, कम मसालों की, लाइट मसालों की नहीं अच्छी लगती है। इसको मिक्स करके मैं इधर छोड़ के कढ़ाई में डाल दूंगी, और इस मसाले को भूनना है मुझे अच्छे से। और इधर दोस्तों, मैं आज सिर्फ लंच ही बना रही हूँ, शाम का खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शादी में हम लोगों को जाना है, मम्मी पापा जी वगैरह नहीं जाएंगे, मम्मी पापा जी ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भांजी लगती है जिनके हम शादी में जा रहे हैं, तो वो लोग नहीं जाएंगे, तो हम और भैया वगैरह ही जाएंगे। तो उनके लिए बोले थे ऐसा खाना बना देना कि शाम तक हमारा काम हो जाए, तो फिर वैसे ही लिए शाम को फिर वहाँ जाने की हमें तैयारी करनी है। तो ये मसाले को भून लेंगे हम। इधर देखो, मसाला हमारा भुन चुका है। तो जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये इधर मैं रायता की तैयारी कर ले रही हूँ, लौकी उबल गई थी, दही ले लिया है, और इस ग्राइंडर से मैं इसको पीस लूँगी। तो ये मसाले का, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मसाला इस तरह से भुनना चाहिए कि कढ़ाई छोड़ने लगे मसाले को, उस तरह से भुनना चाहिए मसाले को। तो ये मसाला हमारा लगभग ऑलमोस्ट भुन ही चुका है, देखिए इस तरह से। तो सब्ज़ी में अपने आप टेस्ट आएगा। इधर कटहल ऐड कर दूंगी मैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि ये मतलब बनती, आप रसीली चाहो तो उसको या पानी वाली भी बना सकते हो, पर ज़्यादा पानी की नहीं अच्छी लगती, या फिर सूखी बना सकते हो। तो मेरे घर में सूखी पसंद करते हैं सब्ज़ी को, रसीली नहीं पसंद करते, तो मैं पानी थोड़ा ही ऐड करूँगी इसमें, जितना कि सब्ज़ी थोड़ा गल जाए। वैसे जल्दी बन जाएगी, क्योंकि और आधी सब्ज़ी तो पक ही चुकी थी, हमें फ्राई किया था जब, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी सब्ज़ी। अब इसको मैं पकने दूंगी, और तब तक मैं रायते में छौंक लगा लेती हूँ।
तो रायते में मैं जीरे का छौंक लगा दूँगी, और इधर मैं हींग नहीं डालती क्योंकि हींग जल जाती है गर्म में कितना भी करो, और हींग मैं बाद में इसमें बाद में ऐड करती हूँ रायते में, तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत ही अच्छी खुशबू। थोड़ी सी लाल मिर्च, रायता मेरा बनके तैयार है। नमक ऐड कर दूँगी, काला नमक इसमें बहुत अच्छा लगता है रायते में, और धनिया पत्ती। तो रायता तो मेरा बन गया, बस मैं रोटी बनाऊँगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ, और सब्ज़ी मेरी लगभग बन के तैयार है, बस थोड़ा सा जैसे अब बोलते हैं ना सब्ज़ी बन तो जाती है लेकिन थोड़ा सा उसको फ्राई करना रह जाता है, अच्छे से इसको फ्राई धीरे धीरे मद्दी मद्दी आँच पर उसको फ्राई करना चाहिए, अच्छी बनती है उस हिसाब से। तो ये देखो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, पर मैं उसको धीमी धीमी गैस पर उसको फ्राई, आप मेरी कढ़ाई चेंज देख रहे होंगे क्योंकि मैं मुझे सब्ज़ी इसी कढ़ाई में छौंक रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं उस सिल्वर वाली में ही छौंक गई थी, तो मैंने उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था सब्ज़ी को, क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी का कलर थोड़ा पीला पीला ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसमें कढ़ाई का कलर आ जाता है तो सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है, तो इस टाइप का कलर मेरे यहाँ सब्ज़ी को पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था। इधर मेरी रोटी भी सिक रही है, और अभी मुझे काम करके सारा अभी फिर शाम के जाने की तैयारी करनी है, और देखिए शाम को क्या मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है क्या पहनना है मुझे अभी। तो ये रोटी तो बन गई मेरी, और देखो ये मैं रोटी बना दी है, सब्ज़ी बन गई, ये सब्ज़ी कितनी अच्छी आई है देखो दोस्तों, ट्राई इसको ज़रूर करना, बहुत ही अच्छी है, सिंपल सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और अच्छी बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। आप खाना खा लीजिए, और मैं अभी भी सभी को खिला के काम करके फिर शाम की तैयारी करूँगी खाने की। फ्रेंड्स यहाँ में शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं शाम के, और ये मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, मैं आज ये वाली साड़ी पहनूंगी, नेवी ब्लू कलर की है और बॉर्डर इसका ग्रीन कलर का है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और हैवी भी है ये साड़ी, पर रिश्तेदारी में शादी है तो फिर पहनना पड़ता है थोड़ा हैवी, वैसे मुझे हैवी ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है। ये साड़ी इस पर ये रेशम का काम हो रहा है, रेशम के धागे का, बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी पहनने के बाद, और बताइएगा कैसी लगी आपको साड़ी मुझे कमेंट करके। और ये इसका ब्लाउज़ है, जो ये जो इधर ये इसका बैक है, ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, और ये मैं चूड़ी ये भी दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल सिंपल है, और मुझे अभी प्रेस भी करनी है बच्चों के कपड़ों पर, क्योंकि ये लाइट हमारे आज परेशान कर रही थी, नहीं आ रही थी सुबह से, तो बच्चों के कपड़े रह गए हैं, क्योंकि अभी बताया था मैंने टेस्ट है मेरे बच्चों के, तो सुबह उनको स्कूल भी जाना है तो हमें रात में ही वापस होना पड़ेगा, इस वजह से ड्रेस वगैरह भी उनकी प्रेस करनी है मुझे अभी, और बच्चों के जो कपड़े पहनने वाले वो प्रेस करने हैं अभी मुझे। तो सॉरी, और अब हम सीधे आपको बारात में ही मिलेंगे, तो ये बारात चढ़ रही है, डांस हो रहा है इधर देखिए, ये सभी मेरी भांजियाँ लगती हैं, जो जो मेरी ननद है उनकी जेठानी देवरानी उनकी लड़कियाँ हैं, और ये सभी डांस कर रही है, बारात चढ़ रही है, ये जो है पीले ब्लाउज और ग्रीन दुपट्टे में, ये मेरी नन की बेटी है, नन्ही मेरी बुआ सास की बेटी हैं, उनके बेटे की शादी है। तो ये हम होटल पहुंच चुके हैं जहाँ शादी हो रही है, और सभी लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अभी डांस होगा, ये जो लड़का दरवाजे पे आ जाता है ना वो कुछ होता है, तो वहाँ पे भी सब लोग डांस करेंगे। तो ये जो ब्लू कोट में आपको दिख रही है ये मेरी नन के जिठान की दामाद है, और ये जो ब्लू लहंगे में है वो जिठानी मेरी नन की जिठानी की बेटी है, और ये सभी हैं यहाँ पे भी डांस हो रहा है खूब।
और ये है वो भैया जिनकी शादी हो रही है और ये इनकी दुल्हन है, राहुल भैया है इनका नाम। ये शादी हो रही है और दोस्तों ये है मेरा सिंपल सा लुक जो मैंने आज पहनी थी, साड़ी और मेकअप किया था। ये मेरे बच्चे हैं दोनों, ये मेरा बड़ा बेटा है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाय बाय।